आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा 1 मीटर है, इसके चारों कोने पर क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश रखे गए हैं, जिनका मान हमें दिया गया है। Q1 का मान है 3×10⁻⁶ कूलम, Q2 का मान दिया है 3 −3×10⁻⁶ कूलम, Q3 का मान दिया है −5×10⁻⁶ कूलम तथा Q4 बराबर है 6×10⁻⁶ कूलम। ठीक, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो आइए हम बना लेते हैं एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, उसके चारों कोणों पर Q1, Q2, Q3 और Q4 आवेश रखे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक क्या है, वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 1 मीटर है। मतलब AB, BC, CD और DA सभी की लंबाई क्या है, 1 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया कि चारों कोणों पर क्या है, चार आवेश है। यहाँ पर मान लेते हैं कि Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2, यहाँ पर C में है Q3 और D में है Q4 आवेश है। ठीक है, अब हमें निकालना है इस वर्ग के केंद्र मतलब O बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, किसी एक आवेश के कारण D दूरी पर, यहाँ पर इसकी दूरी मान लेते हैं हम D। ठीक है, तो D दूरी पर किसी बिंदु O पर विद्युत विभव कितना होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं विद्युत विभव भी बराबर होता है 1/4πε0 और Q/D होता है। ठीक है, यहाँ पर ε0 क्या होता है, विद्युतशीलता होता है। ठीक है, और Q क्या होता है, आवेश। D होता है उस आवेश से बिंदु की दूरी है। ठीक है, तो इन चारों आवेश के कारण बिंदु पर कितना विभव होगा, चार विभव होंगे, तो चारों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग निकालेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा इस दूरी का मान। ठीक है, तो डी दूरी का मान कैसे निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कोई एक विकर्ण का मान। ठीक है, फिर एक विकर्ण का मान निकालने के बाद हम कैसे निकालेंगे डी, क्योंकि ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, इसलिए AO, OB, OC और OD क्या हो जाएंगे, बराबर दूरी में हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इनकी दूरी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। तो D का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABD को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोण है वो क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABD में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधार AD या फिर AB दोनों में किसी एक को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, यहाँ पर BD का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब क्या है, AB ले लेते हैं। ठीक है, AB का वर्ग धन आधार क्या, यहाँ पर AD है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग धन AD का वर्ग। और BD का वर्ग क्या है, यहाँ पर D और D, यहाँ तक की दूरी क्या है, DO + OB। तो दोनों क्या हो जाएगा, D + D, 2D हो जाएगा। हो जाएगा 2D का वर्ग बराबर AB और AD का मान क्या है, क्योंकि प्रत्येक भुजा क्या है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो 1 का वर्ग + 1 का वर्ग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4D² बराबर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से D² का मान क्या हो जाएगा, 2/4, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से D का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया D का मान। अब चारों आवेश के कारण केंद्र बिंदु पर कितने विभव होंगे, चार विभव होंगे चारों आवेश के कारण। तो उन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुल विद्युत विभव V बराबर V1+V2+V3+V4। यहाँ पर V क्या है, सभी आवेश के कारण बिंदु O मतलब केंद्र O पर विद्युत विभव, और V1, V2, V3, V4 क्या है, क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 के कारण बिंदु O पर विभव है। ठीक, यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, V का मान क्या है, 1/4πε0 और क्या होता है, Q/D। तो V1 किसके कारण है, Q1 के कारण, हो जाएगा गुना Q1/D। ठीक है, प्लस V2 का मान क्या है, यहाँ पर Q1 के जगह क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/4πε0, इसको हम रख देते हैं कोष्टक में। ठीक है, गुना Q2/D, क्योंकि दूरी क्या है, सभी के लिए बराबर है। ठीक है, प्लस V3 का मान क्या है, 1/4πε0 और Q3/D, और V4 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और Q4/D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1/4πε0 और D क्या है, कॉमन है,
ठीक है, मतलब उभयनिष्ठ है, तो इसको हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट गुना एक बटे डी, और क्या बचेगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर का मान बचेगा। ठीक है, तो इसका मान हमें दिया गया है प्रश्न में, तो इन सभी का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10^9। ठीक है, और डी का मान हमने क्या निकाला है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर का मान क्या है, ये देख लेते हैं। क्यू वन का मान दिया है 3 × 10^-8, क्यू टू का -3 × 10^-8, और क्यू थ्री -5 × 10^-8, क्यू फोर 6 × 10^-8। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10^-8 क्या है, सभी में उभयनिष्ठ है, तो इसको हम कोष्ठक के बाहर रखेंगे और क्या करेंगे, 3 − 3 − 5 और 6 को कोष्ठक के अंदर जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 − 3 − 5 और 6। ठीक है, और क्या था, सभी में उभयनिष्ठ, 10^-8 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 × 10^9 × ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पर 6 × 3 = 9 और 5 × 3 = 8, मतलब 9 में 8 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, गुना 10^-8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से v का मान आएगा 127.28 आएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो इन चारों आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर कितना विद्युत विभव होगा, 127.28 वोल्ट। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।